हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और क्लैश ऑफ क्लैंस के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। जैसा कि आपने देखा, गाइस ट्रेडर में वापस आ चुकी है एक और फ्री मैजिकल बुक। जी हाँ गाइस, अगर मैं ट्रेडर की तरफ आपको लेके चलूं तो गाइस यहाँ पर क्लिक करो एंड लूट लो, बुक ऑफ बिल्डिंग यहाँ पर मिलने वाली है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं देना, बुक ऑफ बिल्डिंग लो, यूज करो, मौज करो वाली सिचुएशन है। एंड आज अपन ट्रेडर डील का जो मतलब क्लैशलेस वाली जो अपनी चल रही थी एनिवर्सरी, जो नाइन्थ एनिवर्सरी थी, उसकी लास्ट डील लेकर के आया है ट्रेडर, जिसके अंदर आपको तीन आइटम देखने को मिलने वाले हैं। बुक ऑफ बिल्डिंग रिसर्च पोर्शन 85 में मिल रही है आपको दो, एंड ट्रेनिंग पोर्शन 20 में मिल रही है। तो डेफिनेटली ये तो लेने वाली चीज है, ट्रेनिंग पोर्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे लिए, तो क्योंकि हर लेजेंड अटैक में बूस्ट में करता हूं एंड ट्रेनिंग पोर्शन नहीं होते तो प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी अपन ने ले लिया। अब यहाँ पर गाइस आप सभी को देखने को मिल रही है बुक ऑफ बिल्डिंग, जो कि बिल्कुल फ्री मिल रही है। क्लिक कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो बुक ऑफ बिल्डिंग में मिल गई, ट्रेडर की दोनों डील अपन ने ले ली एंड अब अपने पास बुक भी हो चुकी है एंड मेरा एक बिल्डर भी फ्री है, ठीक है। एंड अगर मैं अपने डिफेंसेस की बात करूं गाइस, ये रहे मेरे सारे डिफेंसेस, सब मैक्स है। लास्ट आर्चर टावर बचा और दो कैनन बची जो अपग्रेड पे लगी हुई, अदरवाइज माय होल डिफेंसेस इज मैक्स। एंड इधर की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो बॉम्ब अपडेट पे लगे हुए हैं एंड बस अब मेरे को ट्रैप पे फोकस करना है। मेरे को क्या क्या अप करने, लाइक ये जो मेरे ये एयर बॉम्ब है इनको अप करना है, जायंट बॉम्ब अप करने और नॉर्मल बॉम्ब अप करने बस। एंड आई एम फुल्ली मैक्स आउट टाउन हॉल 14 एंड पेट शॉप में बात करें तो बस दो पेट और बच्चे जिनको मैक्स करना है वो भी जल्दी कर लेंगे। एंड अगर मैजिकल आइटम की बात करूं तो मेरे पास एक बुक ऑफ एवरीथिंग पड़ा है, तो जैसे मैं पेट अप कर सकता हूँ, बुक ऑफ हीरो नहीं है वो भी कहीं से जुगाड़ कर लेगी। चलिए एक बिल्डर है उसको मैं बिजी लगा देता हूँ अपने जाइंट बॉम्ब पे। तो तीन जाइंट बॉम्ब फाइनली अब आप खो रहे हैं एंड अभी मैं बुक ऑफ बिल्डिंग तो डेफिनेटली 8 डे के लिए तो यूज नहीं करने वाला। एंड चलो अब अपन एक अटैक करते चलकर लेजेंड लीग में। एंड गाइस मेरा अभी स्टे हो चुका है 1544 ट्रॉफीज, कल मेरा 144 प्लस हुआ था, माइनस 112 लगी थी, 256 अपन ने प्लस किया था। एंड आज लीग का फर्स्ट अटैक अपन वीडियो में कर रहे, देखते क्या कुछ हो पाता है। लेट्स गो इनटू द चैट एंड किस तरह का बेस मिलने वाला है हमें। ओके, रिंग टाइप का बेस आया है, इसके सारे हीरो नीचे वाली तरफ में है। कभी कभी नीचे वाले हीरोज है ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे अटैक में, बट कोई बात नहीं। स्टिल यहाँ अपन एक डालेंगे मिनियन, यहाँ डालेंगे बेबी, यहाँ डालेंगे किंग एंड अभी उसको उधर जाने दूंगा मैं, यहाँ डालेंगे क्वीन, यहाँ से अपने ईडीज आएंगे, यहाँ अपने लून आएंगे, यहाँ वार्डन, वार्डन एबिलिटी एंड एक रेज यहाँ, एक रेज यहाँ एंड इसके एयर स्वीपर को मेरे को फ्रीजिस करने पड़ेंगे, वो मैं कर लूंगा। एंड अभी थोड़ा और आगे आने तो डबल फ्रीजिस आएगी, अभी बिल्कुल सही चल रहा है अटैक, दो फ्रीजिस और कर लेंगे, यहाँ पॉइजन आएगा, कोई इश्यू नहीं है अभी तक। एक फ्रीज और मेरे को यहाँ करनी पड़ेगी ताकि टाउन हॉल इजीली टेक डाउन हो जाए, वरना प्रॉब्लम हो जाती है यार। तो फाइनली टाउन हॉल टेकन डाउन, किंग का एबिलिटी यूज कर लेते हैं, यहाँ से रॉयल चैंपियन डाल के एक पार्टी विजार्ड में डिप्लॉय कर लेता हूँ। एंड अब अपन यहाँ डाल लेते हैं एक मिनियन, आर्चर बचा हुआ है, आर्चर को भी मैं यही कहीं डिप्लॉय कर लूंगा अपर साइड में। एंड क्वीन बची हुई है अपर साइड में, स्कैटर वगैरह टेक डाउन हो चुके एंड रॉयल चैंपियन इस वाली साइड से क्लियरिंग कर ली है, अभी येक वगैरह जाकर लॉक हो चुके हैं किंग के ऊपर, तो एक अच्छी चीज है क्योंकि किंग और दो हीरो बचे हुए हैं, सो वरना ये ट्रिपल भी हो जाता था, बट अब नहीं होने वाला ट्रिपल बिकॉज अभी बहुत सारे डिफेंसेस यहाँ पर बचे हुए हैं। अब बचा है केवल एक एक्सबो, अगर वो टेकडाउन हो जाती थी ना तो ये अटैक काफी इजिली ट्रिपल हो जाता, अगर ये रॉयल चैंपियन उसको टेकडाउन कर पाने में कामयाब हो जाती तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता, बट नहीं हुआ। एबिलिटी मेरे को अर्लियर देना पड़ेगा ताकि मैं इसको टेकडाउन कर पाऊं। आई डोंट नो, नीचे वाली तरफ में देख सकते हो मिनियन विजर्ड वगैरह अपना वर्क कर रहे हैं। अब लास्ट एक्सपो है वर्सेस द क्वीन, क्या लगता है गाइस, ये अटैक काफी ज्यादा टिपिकल सिचुएशन में आ चुका है क्योंकि अब क्वीन ब्रेक करने वाली है। वो नो, क्वीन डिडंट ब्रेक अ फॉलो, मिनियन चला गया, मिनियन ओपन द हाउस, मिनियन ओपन कर देना कमेंट बॉक्स में गाइस एंड मिनियन डेफिनेटली टेकडाउन कर देगा एक्सपो को, डन। And that attack is again going to be a triple star. कल के जैसे आज का शुरुआत भी triple star के साथ. So done guys. तो इस season aim करते 6000 legend trophies का. देखते वो हो पाती है क्या. First attack guys. मेरे attack log में last के 3 attack triple star है. तो मतलब hat trick कर दी triples की हमने legend league में. Okay, army train करते, request करते थे CC का, उसका wait करेंगे. And एक और चीज share कर दूं guys.
फाइनली वी अचीव्ड 10,000 लेजेंड ट्रॉफीज। बूम बम। एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं गाइस, अगर आप CWL खेलना चाहते हो, आपका कोई भी टाउन हॉल हो, मैं आपको 3 क्लैन बता रहा हूं जिसमें आप CWL खेल सकते हो। आपके पास आज का टाइम है फॉर द रजिस्ट्रेशन, इसीलिए ये वीडियो मैं जल्दी से 1 बजे अपलोड कर रहा हूं ताकि आप सब रजिस्टर कर पाओ CWL के लिए। आपको करना कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको सबसे पहले क्लैन बता देता हूं, अगर आप टाउन हॉल 14 मैक्स हो तो हमारे मेन क्लैन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर द CWL। बस आपको करना क्या है, अपने प्रोफाइल का इमेज और लिंक मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करना है। मेरा लिंक इंस्टाग्राम का सबसे ऊपर मिल जाएगा, बस यही है, वहां आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे। आई विल हेल्प यू, आई विल रिप्लाई यू, एंड आप आने वाले होगे तो मैं आपको ले लूंगा, ठीक है। एंड आपको इस क्लैन में खेलना है चैंपियन 3 में, ओनली टाउन हॉल 14 मैक्स आउट कैन प्ले, मिनिमम पेट लेवल 5+ होने चाहिए। एंड अब अदर और दो क्लैंस की मैं बात कर लेता हूँ जिनमें और भी आप खेल पाओगे CWL। एक है दिल्ली कैपिटल, आप डायरेक्टली इस क्लैन को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपका क्या होना चाहिए, आपका जो टाउन हॉल है वो मिनिमम टाउन हॉल लेवल 10 होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, 30+ हीरोज होने चाहिए, ऐसा डिसेंट से टाउन हॉल 10+। जो भी आप इस वाले क्लैन में खेलना चाहो आप खेल सकते हो, कोई भी आ सकता है। टाउन हॉल 10 अगर 9 आ रहे हो तो फुल 30-30 हीरो मैक्स होने चाहिए, तो 9 को भी लेने के चांसेस है। एंड ये क्लैन है दिल्ली कैपिटल। अब एक और क्लैन है जिसमें मिड वाले जो खेलने वाले हैं, एंड वो है ये वाला जोन टू बी बेस्ट। अगर आपको इसमें खेलना है तो आपको मेरे को अपना प्रोफाइल लिंक और प्रोफाइल फोटो मेरे को DM करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, कर देना लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का। इसमें जो जो खेलना चाहता है फटाफट कर लेना, बिकॉज एक दिन बचा है, जितना जल्दी करोगे स्लॉट फुल होने से पहले कर लेना। अभी आपको क्लैन खाली दिख रहे होंगे क्योंकि अभी सब मेन क्लैन में, अभी ये मैं यहाँ से भी शिफ्ट करने वाला हूँ, सो वो सब कुछ चलने ही वाला है। तो आप में से जो भी खेलना चाहे हमारे साथ CWL, 3 क्लैन, तीनों दिखा दिया, हर टाउन हॉल वाले आ सकते हैं। लोअर टाउन हॉल जो बहुत ज्यादा छोटे हो गए उनको छोड़ के टाउन हॉल 9 से ब्लो नहीं आ सकते, उनसे ऊपर वालों का हमने फुल सेटअप करके रखा है आप सभी के लिए फॉर प्लेइंग CWL। तो भाई करना कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम मैसेज कर देना और जल्दी से कर देना, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपको पता चल जाएगा आपका फिक्स है CWL या नहीं, नहीं तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा अगर लेट करोगे तो। बाकी ये रही बात हमारे तीनों क्लाइंट्स की, एंड आज का दिन बहुत ज्यादा है होने वाला है हैवी, बिकॉज मेरे को पूरा CWL मैनेज करना है मेन क्लैन का, दोनों क्लैनों के। तो आज होने वाली है बहुत तबाही, क्योंकि यार एक CWL मैनेज करने के पीछे लीडर का बहुत ज्यादा टाइम जाता है, एंड मेरे क्लैन में 3 CWL हो रहे हैं, मैं 3 CWL मैनेज कर रहा हूँ। एक मेन क्लैन 15 vs 50, जोन टू बी बेस में होगा 30 vs 30, दिल्ली कैपिटल में फिर 15 vs 15, तीनों के बोर्ड से फिल करना है, एंड सबको बोलना अटैक करो, कोई अटैक मिस ना कर जाए। तो भाई बहुत ज्यादा प्रेशर होता है इन CWL टाइम, भाई लिटरली बहुत ज्यादा प्रेशर लेता हूँ मैं, एंड भाई क्या करे जब आप 50 लोगों को मैनेज कर रहे हो CWL में, तो प्रेशर भाई माइंड पे क्या होता है। फिर आखिरी दिन जो होता है ना CWL का, उसमें और ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, सब बंदे बोलते भाई बोनस मेरे को देना, राणा जी बोनस मेरे को देना, मैं पागल हो जाता हूँ। तो चलो ठीक है, फटाफट आओ फटाफट, ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में इसी के और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए क्लैश ऑन, बाय बाय।